हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ जर्दा राइस, या फिर आप इसको स्वीट राइस भी बुला सकते हैं। किसी भी फंक्शन पे या फिर आपकी फैमिली में कोई आ रहा हो तो मीठा कुछ ना हो बनाने के लिए खीर के अलावा या सेवई के अलावा आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में मीठे चावल। तो इसको मैंने सीखा है अपनी एक फ्रेंड शबाना से और इसको आज आप सबके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 240 ml का एक कप यूज़ किया है और एक कप भर के मैंने लिया है बासमती चावल। ये इंडिया गेट बासमती नहीं, मैं जो चावल यूज़ कर रही हूँ वो है पतंजलि का रोज़ाना बासमती। बहुत ही अच्छा चावल है, बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। अगर आप कभी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इस चावल को एक बर्तन में हम अच्छे से दो तीन बार धो लेंगे। यहाँ एक पतीले में मैंने पानी अच्छे से गर्म कर लिया है, वो पानी पूरा खौल गया है। उसमें हम डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच घी, दूसरा हमारे ये धुले हुए चावल। पानी इतनी क्वांटिटी में लें कि चावल उस पानी को सोख ना सके, क्योंकि इस चावल को हमें सिर्फ 70% तक उबालना है ताकि वो हल्का सा उसमें कच्चापन रहे, बिल्कुल गल ना जाए पक के, ताकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये टूटे ना। चावल उबलते टाइम साथ में इसमें मैं डालूंगी एक हरी इलायची कूट के, एक दालचीनी का टुकड़ा, चार लौंग और एक तेज पत्ता। ये खड़े मसाले मैंने इसलिए डाले ताकि हमारे चावल में और अच्छी खुशबू आ जाए। तो इसको अब हम पकने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे कितना पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल जो है वो 70% तक पक चुके हैं और ये साइज़ में भी थोड़े बड़े हो गए हैं। इसको अब हम छान लेंगे एक छन्नी में, और बड़ी छन्नी में जिसमें आप ये चावल छान सकें, और उस पर हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी ताकि इस चावल की ये जो गर्माहट है इससे ये चावल और ज़्यादा पक के गल ना जाए। तो इसको अब मैं पहले छान लेती हूँ। इसमें आप नीचे कुछ पतीला या बर्तन रख लें ताकि आपको अगर पकड़ने में इसकी गर्माहट लग रही है तो वो गर्माहट ना लगे। और ये देखिए, इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे ठंडा पानी। ये नॉर्मल पानी है, फ्रिज का ठंडा नहीं है, ताकि इसकी जो गर्माहट है ये थोड़ी सी कम हो जाए। और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, इसका पानी पूरा नीचे से निकल जाएगा, तब मैं आपको इसका आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो हमारे चावल ठंडे हो चुके हैं और कढ़ाई मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रखी थी। इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 चम्मच घी। घी आप उतना डालें कि आप इसमें चावल को हल्का सा भून सकें, ऐसा ना हो कि घी कम पड़ जाए और चावल कढ़ाई में चिपकने लगे। तो यहाँ पे घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हमारे चावल। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो की हुई है ताकि चावल हमारे चिपके नहीं। अब मैं इसको धीमी फ्लेम पे ही थोड़ा सा चावल को अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी। और जब चावल अच्छे से भून जाए घी में, कि आपको लगे कि अब सारे चावल घी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप चीनी। जिस कप से मैंने चावल नापा था उसी कप से मैंने 3/4 कप नाप के चीनी डाला है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी मीडियम। और चीनी के साथ ही इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ऑरेंज फूड कलर। यहाँ मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर में जो फूड कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये फूड कलर मैंने चावल को उबालते टाइम इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जब हम चावल को धोते तो हो सकता है उसका कलर उसमें से निकल जाता धोते टाइम, और आपके जो ऑरेंज कलर है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता, इसलिए मैंने इस टाइम पर अब इसको कलर डाला है जो ये पकते पकते थोड़ा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ हमको चीनी के एकदम अच्छे से सूख जाने तक चावल को
बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, पर हाँ इतना करते रहें कि नीचे से ये कढ़ाई में चिपके ना और इसका पानी पूरी तरीके से सुखा लें। ये देखिए चीनी की वजह से चीनी जो पिघली है इसमें, आप पिघल के ये पानी पानी से छूट गया है चीनी का, तो इसको अच्छे से पूरा सुखा लें। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम की हुई है ताकि चीनी जल्दी सूख जाए, क्योंकि लो फ्लेम पे अगर हम चीनी को सुखाने बैठेंगे तो हमारे चावल बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और उसको मिक्स करने की वजह से वो टूटने लगेंगे। चीनी का पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, तो इस टाइम पे मैं इसमें मिलाऊंगी ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कूटे हुए, और यहाँ मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट, चेरी, टूटी फ्रूटी कुछ भी मिला सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं मिलाऊंगी दो हरी इलायची कुटी हुई, ये देखिए धीरे धीरे इसकी जो चाशनी है ये पूरी सूख रही है, पर ये अभी भी गीली है तो इसको हमें थोड़ा सा और सुखाना है। गैस की फ्लेम एकदम हाई भी ना करें जल्दबाजी के चक्कर में, वरना चावल आपके कढ़ाई में चिपकने लगेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट लगे हैं पूरे इसकी चीनी के पानी को सुखाने में, और यहाँ हमारे जरदा राइस जो मीठे चावल हैं ये बनके रेडी है। इसको अब हम करेंगे सर्व। चीनी के पानी को कोशिश करें बहुत अच्छे से सुखा लें। ये देखिए मेरे तो ये जरदा राइस बहुत ही अच्छे बने हैं। किसी फेस्टिवल सीज़न या फिर घर में कोई मेहमान आ रहा हो, कुछ मीठा ना हो, तो ये बहुत ही बढ़िया है। झटपट कैमरे में आपको इसका कलर थोड़ा सा येलो दिख रहा होगा, पर ये ऑरेंज कलर है। तो इसको सर्व करते टाइम इसके ऊपर आप थोड़े से ग्रेट करके खोया भी डाल सकते हैं, और मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, और इसके साथ ही थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।